मियाँ सारा काम छोड़ कर आई श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, जाओ सेवा करो। आज भगवान ने गोपियों को काय के लिए बुलाया है? काय के लिए? रास रचाने के लिए। ये रास रचाना सही है कि गलत है? मैया, ओ भैया, रास रचाना सही है कि गलत है? आप रचाते हो रास? किसके साथ? नहीं, क्यों भैया जी बताएंगे रास का मतलब क्या होता है? ये जिनसे पूछेंगे वो ही बोलेंगे, बाकी लोग तो पैटाप रहे। ये भैया आपसे पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, रास का मतलब क्या हुआ ये भैया बताएंगे। हाँ हाँ, ये पीछे वाले बोलो सरकार। हाँ ये, हाँ हाँ, बोलो आप बोलो। नहीं मालूम? नहीं मालूम तो ये ठीक है कि आपने बोल, आप बताओ। नहीं मालूम? ये भैया बताएंगे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। रास का मतलब क्या होता है? प्रेम। किससे प्रेम? भगवान से। ठीक है दादाजी, बताएंगे रास का मतलब क्या हुआ? प्रेम। किससे? प्रभु से प्रेम रास का मतलब। मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। ठीक है चलो। सुनो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इसका क्या मतलब होता है आप बताओ? किस तरफ ये बात इशारा कर रही है? ये पिक्चर का डायलॉग है, एक फिल्म का वाक्य है, सेंटेंस है, जो आप समाज में बहुत प्रचलित भी है कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इसका मतलब क्या है आप बताओ? आप इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, किसकी ओर ये इशारा कर रहा है? आपसे पूछ रहे हैं हम, आपका मत जानना चाह रहे हैं, इस वाक्य के साथ आपका विचार क्या है, किसकी ओर यह इशारा है इस वाक्य से? भगवान की ओर। तो क्या इशारा है इसमें? गुड इशारा है, सही या गलत? भगवान के लिए इस सेंटेंस में सही कहा जा रहा है कि गलत? इसमें भगवान को सही ठहराया जा रहा है या गलत? जोर से, जोर से। हाँ हाँ, इस लाइन से ये कह दिया पिक्चर बनाने वाले बॉलीवुड ने कि कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, मतलब कृष्ण की रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया है, चरित्र से जोड़ दिया कि ये तो चरित्रहीनता की लीला थी, ऐसा उनका कहने का अर्थ है। हाँ या ना? अब इसी से ये जितने नौजवान बच्चे यहां बैठे हैं जिनको रास का भी मैं मतलब समझाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा, और ये उस बॉलीवुड के सेंटेंस से भगवान कृष्ण को गलत साबित कर देंगे। इसी को बोलते हैं अर्थ का अनर्थ। अब ये बॉलीवुड वाले, पिक्चरें बनाने वाले,
ये तो समझते नहीं, ये तो गाय का मांस खाते हैं। अब जो गाय का मांस खाने वाले बॉलीवुड के लोग हैं, वो गौ पालन करने वाले कृष्ण के बारे में भला क्या जानेंगे। कृष्ण के बारे में जानने के लिए गाय की सेवा करनी पड़ेगी, और ये लोग तो गाय को खाते हैं, सेवा तो दूर रही। हाँ या ना, बॉलीवुड के जितने सुपर डुपर स्टार हैं लगभग आपके, जो दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, ये अधिकांश 99% बॉलीवुड गौ मांस खाती है। हाँ या ना, बोलो हाँ। अब ये गौ मांस खाने वाले उस कृष्ण को क्या जाने जिन्होंने गौ माता की सेवा की हो, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए एक उंगली से पहाड़ उठाया हो, उस कृष्ण के बारे में भला ये मूर्ख लोग क्या जाने। अब आपके भगवान पर ये बॉलीवुड वाले सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो लीला रासलीला कर रहे हैं, अब इन मूर्खों को जरा बताओ कि रासलीला का मतलब जानते भी हो? क्या होता है रास? रास का मतलब होता है कैरेक्टर ढीला। इस लीला से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक छोटी सी बात से आप इस पूरे विषय को समझो। देखो कितने लोग रास का सही अर्थ जानना चाहोगे? चाहोगे तो ध्यान से सुनो। अभी हमारे देश में कुछ महीनों पहले एक सम्मेलन हुआ था जिसे G20 नाम दिया गया। मोदी जी ने यह आयोजन रखा था दिल्ली में। क्या नाम था इसका? क्या हुआ था इसमें? 20 देश के, लगभग 20 देश के नेता आए और भारत में सबसे गले मिलना हुआ, एक साथ खाना पीना हुआ, एक बात हुई, डील हुई होगी कुछ हमारे देश से आयात निर्यात की, कि कुछ तुम हमारे यहां देना, कुछ हम तुम्हारे यहां, कुछ बातें हुई होंगी अंदर की। पर वो क्या था? मिलन। G20 में क्या हुआ था? एक नेता दूसरे नेता से क्या किया? उस मिलन के समारोह का नाम क्या था? G20। उसी तरह द्वापर युग में भक्त और भगवान कह के मिलन हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और उस मिलन में तमाम भक्त आए थे और भगवान से मिले, उस मिलन का नाम था रास। जिस रास के मिलन में कैलाश से शंकर जी भी आए थे, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, स्वर्ग से इंद्र आए, पर आए थे सब गोपी बनकर। हनुमान जी भी आए पर आए थे गोपी। तो वहां पर क्या बनकर आए भगवान? गोपी। गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। यदि गोपी का मतलब स्त्री होता है तो शंकर जी भी तो गोपी बनकर आए। क्या वो स्त्री थे? ना। गोपी मतलब भाव। जैसे आप लोग वृंदावन में आए हैं पवित्र भाव से। आप वृंदावन आते हैं किस भाव से? बोलो। आप वृंदावन जब आते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। बोलो हां। तो जैसे वृंदावन आप आए एक भक्त के भाव से, आप अपने घर में इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, एडवोकेट होंगे, फला होंगे फला, लेकिन आप जब वृंदावन आए तो डॉक्टर बनकर नहीं आए, एडवोकेट बनकर नहीं आए, जज बनकर, पायलट बनकर, आप यहां एक भाव लेकर आए, भक्त का भाव। क्या लेकर आए हैं? एक पवित्र भाव। उसी तरह उस रास में जो सम्मिलित हुए थे वो गोपी के भाव से। गोपी कौन? गोपियों की अधिष्ठात्री राधा रानी। राधा की तरह प्रेम लेकर के सब लोग आए, तो राधा की तरह प्रेम लेकर आने का नाम गोपी बनकर आना, मीन्स गोपी भाव। और उस समय कृष्ण ने रास रचाया जिसमें शंकर जी भी थे, हनुमान जी भी थे, नारद जी भी थे, ब्रह्मा और गोपियां, वो मिलन था।
एक भक्त का एक भगवान से। अब आप बताओ क्या वो मिलन कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? तो आप लोगों ने ये मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से सवाल क्यों नहीं किया कि तुम हमारे भगवान पर लांछन लगा रहे हो? ये लांछन लगाने का अधिकार इन मूर्खों को दिया किसने? आप लोगों ने दिया, जो तुम इनकी उल्टी सीधी पिक्चरें देख देख करके और इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाते हो। ये कुछ भी तुम्हारे धर्म के लिए कहते बोलते हैं और तुम तमाशा देखते हो। ये लोग क्या नहीं गलत काम कर रहे हैं? बॉलीवुड वाले गुटका बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम। पूछो इनसे कि तुम अपने बच्चों को खिलाते हो गुटका? नहीं, अपने बच्चों को ये नहीं खिलाते, लेकिन आपके बच्चों से कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, ताकि आपके बच्चे खाएं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं जंगली रमी का, डाउनलोड कीजिए जंगली रमी का, जिससे वो जुआ इत्यादि खेल रहे हैं लोग उससे। अब बताओ आज का यूथ यदि जुआ खेलेगा तो उस यूथ का नाश होगा कि नहीं? बोलो हां। तो आजकल के सुपर डुपर स्टार तुम्हारे बच्चों को जुआड़ी बना रहे हैं या नहीं? बोलो हां जोर से। अब बताओ तो ये सही कर रहे हैं? ये तुम्हारे भगवान पर लांछन लगा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और तुम इन्हें क्या बना रहे हो? सुपर डुपर स्टार। और हम जैसे लोग यदि तुम्हें कहते हैं कि बेटा सही राह पर चलो, माँ बाप की सेवा करो, तो कुछ लोग संतों को पाखंडी कहते हैं। अरे ये बाबा जी तो पाखंडी हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। बताओ जो लोग पेप्सी कोका कोला का प्रचार कर रहे हैं वो लोग नहीं लूट रहे हैं आप लोगों के हिसाब से? और जो संत कह रहे हैं कि मांस ना खाओ, शराब ना पियो, गांजा ना पियो, गलत राह पर ना चलो, उन संतों को लोगों ने कहा कि ये साधु संत तो बताओ लूट रहे। क्या लूट लिया भाई? किसके घर डाका डाल लिया? डाका तो आपके घर में ये बॉलीवुड वाले डाल रहे हैं, आपके बच्चों के चरित्र पर डाका डाल रहे हैं। बिगाड़ दिया चरित्र, डाल दिया डाका। तुम्हारी बहन बेटियां अब जरा जरा से कपड़े पहन के घूमती हैं, ये किसकी देन है? बाबा जी की देन है या ये बॉलीवुड की देन है? इतने इतने से कपड़े पहन के निकलने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं है, ये बाबा जी की देन है या बॉलीवुड की देन है? बताओ। पूरे संस्कृति का, पूरे धर्म का ना लाज ना शर्म कुछ नहीं बचा। इतना नुकसान किया है बॉलीवुड ने हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को, और आप लोग फिर भी सिर पे चढ़ाए हैं। वो भगवान को कह रहे हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर। ये एक लाइन, इस एक लाइन से भगवान पर प्रश्न खड़ा हो गया। और वो रास का मतलब जानते नहीं, उन्हें तो बस लगता है कि भोग विलासी रास। जबकि भगवान कृष्ण ने जब रास रचाया था उस समय भगवान की आयु कितनी थी? बोलो 7 साल पूरी कंप्लीट, 8वीं रनिंग आप 8 साल कह सकते हैं, 8 साल। अब मेरे से प्रश्न है मेरा आपसे, क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? होती है? आपकी भी तो बेटी और आपका भी तो बेटा 8 साल का होगा, क्या उसके अंदर कोई वासना है? 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती ही नहीं है। आप जबरदस्ती भी घुसाना चाहो वासना तो भी नहीं उसके अंदर जागेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब रास भगवान ने 8 साल की उम्र में रचाया, 10.5 साल की आयु में तो वृंदावन छोड़ के चले गए कंस को मारने, तो जब रास 8 साल की उम्र में रचाया तो उस रास में भला कैरेक्टर ढीला कैसे हो सकता है? क्योंकि उस समय तो भगवान बच्चे थे और बच्चे के अंदर तो कोई वासना होती नहीं है। इस दृष्टि से भी उस लीला में कोई काम वासना का रोल नहीं था। तो किस आधार पर यह आरोप लगता है? बिना सबूत के, बिना कोई एविडेंस के बस बोलना है।
हिंदू धर्म को टारगेट करना है सो करो, कहो अपने भगवानों को गाली दो। और आप लोग, उनके गाली देने में बुराई नहीं है, गाली तो शिशुपाल भी दे रहा था, आप का सुनने में दोष है। ऐसे लोगों को जो सिर में आपने चढ़ा रखा है, दोष ये है कि जो आपकी संस्कृति को खुलेआम गलत कह रहा है, बिना कुछ जाने समझे, फिर भी आप उसे सिर पे चढ़ाए। समस्या ये, आजकल के बच्चों को यदि चरित्रवान बनाना है तो बॉलीवुड से बचा लो, मूवियों से बचाओ, वरना ये चरित्रवान बन ही नहीं सकते। मूवियां इन्हें चरित्रवान कहां बनने देती। आजकल की जितनी पिक्चर हैं, सारी पिक्चरों में अश्लीलता है, बाप बेटी एक साथ नहीं देख सकते। अब इससे आप चरित्र का निर्माण कर लोगे। अब इन बातों को इतने डीप में कौन समझना चाहता है। रास का मतलब आप लोग आज तक क्या समझते थे, और क्या रास का मतलब है। रास मतलब मिलन, जैसे मेरा और आपका मिलन हो रहा है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मिल रहा हूं, यही तो मिलन है। आप लोग घर जाओगे तो बोलोगे कि हम गौरी गोपाल गए थे तो अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर आए हैं, यही तो मिलन है। तो जैसे हमारा और आपका मिलन हो रहा है, हमारे और आपके मिलन में बताओ, यहां पुरुष भी बैठे हैं, स्त्रियां भी बैठी हैं, इस मिलन में कोई दोष है, इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला दिख रहा है, बोलो। जब आपके और हमारे मिलन में कैरेक्टर ढीला की कोई बात नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में भला कैरेक्टर ढीला की क्या बात हो सकती थी। हम और आप तो मिल ही रहे हैं ना, यही तो मिलना। हम और आप मिल रहे हैं भागवत जी के माध्यम से, और गोपियां भगवान से मिली रास के माध्यम से। वो रास एक मिलन था, एक प्रोग्राम का नाम था रास, जहां भक्त और भगवान का मिलना था, वो मिलन था, पवित्र मिलन। मिलन है और जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मां अपने बेटे को गले लगाती है और मां अपने बेटे के गालों को चूमती है, मां अपने बेटे के माथे को चूमती है, गले लगाती है, अब बताओ क्या मां और बेटे के इस मिलन में कोई दोष है, बोलो। नहीं तो फिर भगवान को क्या बोला गया है, त्वमेव माता। तो जब सामान्य मां बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की प्रत्येक मां को बनाया है, उस परमात्मा मां के अंदर कितनी ममता होगी, और वो जब मिलता होगा अपने भक्तों से तो कितनी ममता के साथ मिलता होगा, और उस ममता के साथ जब मिलता होगा तो देखने वालों को क्या लगा, अरे ये तो कैरेक्टर ढीला चल रहा है। नहीं, तुम्हारी आंखें ही खराब है। वो मां बेटे के मिलन को यदि कोई तीसरा कहे कि जी इनका तो देखो क्या चल रहा है, तो इसमें मां बेटे का दोष नहीं है, इसमें तो उस मूर्ख का दोष है। हाँ या ना। इसी तरह भगवान तो माता है, भगवान को मां बोला गया, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम, आप सब गाते हो, मात पिता तुम शरण गहूं मैं। बताओ अब ये माता पिता सबके लिए है या नहीं भगवान, बोलो। हाँ, तो फिर गोपियों ने जिस भाव से भजा, भगवानों ने उस भाव से मिले। तो भगवान तो रियल में सबकी माँ बाप है। अब वो तो भक्त की भावना है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप स्वतंत्र हैं। द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा, अर्जुन ने मित्र के रूप में देखा, यशोदा ने बेटे के रूप में देखा,
और गोपियों ने पति के रूप में देखा। तो भगवान तो वही है, पर भगवान को देखने वाले भक्त अलग अलग हैं। तो जिसकी जैसी भावना है वो उस भाव से देख सकता है और स्वतंत्र है। आपका पति आपको पत्नी के भाव से देखने के लिए स्वतंत्र है, आपका बेटा आपको माँ के रूप में देखने के लिए स्वतंत्र है, आपका पिता आपको बेटी के रूप में देखने के लिए स्वतंत्र है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसी तरह भगवान के भक्त को स्वतंत्रता मिली है कि आप अपने भगवान को जिस रूप में देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए जो आपका भाव करे, दिल करे, मन करे, देखिए। तो रास का मतलब क्या हुआ मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल साड़ी वाली मैया, पीछे मैया बोलो मेरी माँ, ये रास का मतलब क्या हुआ? पीछे वाले भक्त बोलेंगे रास मतलब, रास मतलब, जोर से, रास मतलब मिलन, रास मतलब मिलन किसका? भक्त और भगवान का मिलन, ये रास है, मिलन है भक्त और इसमें कोई। फिर ये सेंटेंस सही है या गलत है? तुम करो तो रास लीला, हम करो तो करेक्ट लीला, सही है? सही है गलत है? समाज में कुछ गलत चीजें चल रही हैं, उन्हें आपको अपनी समझदारी से खत्म करना पड़ेगा, उनका ज्ञान आपको हासिल करना पड़ेगा, तब वो चीजें आप खत्म कर पाएंगे। तो किस किस को बात समझ में आ गई? हाँ बोलिए, रास राशेश्वर भगवान की जय।